दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज 24 सितंबर 2021 के तीनों पारियों के पेपर का एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और जो इस पेपर में पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं। आज वाला पेपर यहीं से आया है, वो पूरी चीज़ क्लियर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 से 26 सितंबर के बीच जो आपकी आईटी एग्ज़ाम चल रही थी, अब इसके बाद में आपका 28 तारीख से दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों की अभी एग्ज़ाम नहीं है वो अपना एडमिट कार्ड सर्च करके जरूर दे सकते हैं कि उनका एग्ज़ाम की डेट आ गई है या नहीं आई है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, अगर आप सेकंड ईयर के तो आपके पेपरों का एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम ओनली फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं। साथ ही अगर अभी हम ये पेपर आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन का पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही अगर आप अदर ट्रेड से हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्योंकि हम आपके पेपर भी सीबीटी एग्ज़ाम का पेपर का एनालिसिस कराएंगे। और आज ये तीनों पारियों के पेपर का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस प्रकार क्या है। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और आप आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसी प्रकार आगे आने वाले पेपरों के सीबीटी एग्ज़ाम का एनालिसिस करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही सीबीटी एग्ज़ाम पेपर प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम के नाम से, जहाँ पर सारे पेपर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते, ज़्यादा वक्त खराब न करें। और आप रोज़ देख रहे हो कि पूरा पेपर यहीं से पूछा जा रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको ओनली WC और आपके ES यानी वर्कशॉप क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयड स्किल के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, साथ थ्योरी के क्वेश्चन भी क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज का पूरा पेपर यहाँ से आया है तो आप खुद मिलान कर लो। अगर आज आपने एग्ज़ाम दिए तो आप अपने क्वेश्चनों का मिलान कर सकते हो। तो जिसमें मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था गति का सूत्र क्या है, तो दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप इसका राइट आंसर होगा तय की गई दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। दोस्तों वो होते हैं 735.5 वाट। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं सर क्या पूरा पेपर यहीं से। दोस्तों देखो 22 23 24 इन तीनों दिन में इस पेपर में से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे भी ये बोल रहा हूँ इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाना, मेरी 100% गारंटी है, ज़्यादा नहीं आपको 50% कम से कम यहाँ से पेपर मिलेगा, आपको पास होने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी। अब काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर एक ही पेपर का एनालिसिस क्यों करा रहे हो। दोस्तों पेपर हमारे पास 2-3 अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सीबीटी एग्जाम के पूरे पेपर, लेकिन पूरा पेपर यहीं से आ रहा है। तो जिन बच्चों की अभी एग्जाम है वो बेचारे इसी की तैयारी करिए, दूसरे पेपर की तैयारी करिए, इसी का हम इस पेपर का एनालिसिस आज आपको करा रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखो दोस्तों, आज एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु 15 मीटर दूरी तक चलती है तो इसका कार्य क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका 3750 जूल। अगर आप अदर ट्रेड से हो इलेक्ट्रिशियन के अलावा तो आपके लिए भी क्वेश्चन मोस्टली है, क्योंकि दोस्तों पेपर आपका ES और WC का क्या होता है, कॉमन आता है, तो आपका पेपर भी यही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। दोस्तों वो होता है आपका 1। अगला है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं 1 कैलोरी, यानी कैलोरी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक रोड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। दोस्तों ये होगा 1.75 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 18 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका भुजा स्क्वायर का सूत्र लगेगा तो इसका राइट आंसर होगा 364 सेमी। अगला क्वेश्चन है, 12, 18, 6, 36 का LCM कितना होगा। तो दोस्तों वो 36 होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा किसके बराबर होता है। दोस्तों ये होता है आपका विपरीत भुजा बटा कर्ण, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। 529 का वर्गमूल क्या होता है। तो दोस्तों वो 23 होता है। इनमें से ऐ धातु कौन सी है। दोस्तों वो होती है आपकी ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है आपका दूसर ढलवा लोहा। अगला है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। दोस्तों वो होता है आपका लोहा धातु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो हम करेंगे उच्च कार्बन स्टील का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। तो दोस्तों वो होगा आपका 19.5। अगला क्वेश्चन है, इंड्यूज EMF के लिए क्या सूत्र होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया था। तो दोस्तों वो होगा BLV साइन थीटा वोल्ट में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। दोस्तों तांबा सबसे अच्छा कंडक्टर है। अगला क्वेश्चन है, कितने पावर की आवश्यकता होगी धारा का मानिए प्रतिरोध इतना है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका 100.2 वाट। ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया था, दोस्तों आज ही पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, एक साधन मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? दोस्तों वो होता है आपका एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन कल ही पूछा। अब एस के क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको पूछे थे दोस्तों, मैंने आपके लगभग 5 या 6 पेपरों का एनालिसिस करा दिया है, उनमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 80% पेपर इस पेपर में आया, तभी मैं इसका एनालिसिस आज आपको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक रिज्यूम होता है दोस्तों, रिज्यूम होता है छोटा और सटीक। अगला कोऑर्डिनेट नंबर कौन सा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आज पूछा है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये आपके कोऑर्डिनेट नंबर है, और नीचे वाले आपके ये दूसरी है जो ये आपके कोऑर्डिनेट नंबर नहीं है। अगला, निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान कहा जाता है दोस्तों, इसे मशीन भाषा कहते हैं। जहाँ तक हो सके आप दोस्तों इस पेपर का 2, 3, 4 बार एनालिस करो, और ये क्वेश्चन रट के चले जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 100% एग्जाम देने के बाद आप मुझे वापस कॉन्टेक्ट करो टेलीग्राम ग्रुप पे आगे, फिर मुझे बताओ कि सर आपने बताया वहाँ से 60, 80, 90% पेपर आया नहीं आया, ठीक है दोस्तों। और आप खुद टेलीग्राम ग्रुप पर आके चैटिंग करके बच्चों से राय ले सकते हो कि पेपर कौन सा आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों द्वारा लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं नौकरी का विवरण। अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में खालिस्तान होते हैं दोस्तों, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसमें आप ईमेल को कॉपी भेजना चाहते हो? दोस्तों वो होता है आपका सीसी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू से क्या कहते हो? दोस्तों ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी 20 का राइट आंसर। अगला है, एक्सेल में किसी रो और कॉलम में इंटरसेक्शन को खालिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों इसे सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों वो आते हैं आपकी प्रश्नात्मक लिसनिंग के अंतर्गत। दोस्तों ये मैंने आपसे आप दो देख लेना, पूरा पेपर है तो आप एक बार पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार ये आपके 80 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अभी मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, ILO का विस्तार रूप ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिशबोर्ड चार्ट को खालिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कारण प्रभाव कहा जाता है, और ये इसका लास्ट फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो आप इसका भी एनालिसिस करना दोस्तों। थ्योरी के क्वेश्चन ये है, कौन सा है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर का भाग का नाम क्या होता है? तो दोस्तों ये बकोल रिले कहते हैं। अगला है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेटो ट्यूब का क्या कार्य है? दोस्तों उसका कार्य है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना। एक क्वेश्चन यह आया था, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेटोन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? दोस्तों वो होता आपका 3.2 वोल्ट। एक क्वेश्चन यह था, सर्किट का नाम क्या है? तो इस सर्किट का नाम था दोस्तों इलेक्ट्रिक पंखा नियम। यह डायग्राम था, डायग्राम यहाँ पर नहीं दे रखा है। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? तो दोस्तों वो होता आपका विचलन बल। अगला, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? दोस्तों वो होती है आपकी ओम प्रति वोल्ट। एक क्वेश्चन ये भी दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है, यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों ये यंत्र आपका एब्सोल्यूट उपकरण है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछा, किस प्रकार का वाटमीटर है? तो दोस्तों वाटमीटर होता है 2 अवयव 3 कला वाटमीटर। तंतु लैंप का कार्य का तापमान कितना है? दोस्तों ये 23 डिग्री होता है। कल ही पूछा गया था, आज ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रति यूनिट ठोस कोण का प्रकाश स्रोत द्वारा ली गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं हम चमकदार तीव्रता। आज तीनों पारियों में दोस्तों यही पेपर है, ध्यान रखना। IE नियमों के अनुसार पावर उपरिपथ के लिए अधिकतम भार कितना है? दोस्तों ये 3000 वाट होता है। अगर लाइट का पूछे तो ये 800 वाट। शायद दोस्तों अगर अभी आपने ये पेपर नहीं देखा है तो आप PDF फाइल देखो या प्ले लिस्ट में जाके देख लो, मेरा पहले भी इस पेपर का एनालिसिस किया है दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।